हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू बी हेल्दी इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फास्ट रनिंग के बारे में। आप फास्ट रनिंग किस तरह से कर सकते हैं? रनिंग तो हर कोई कर सकता है, यहाँ तक कि जो हैंडीकैप्ड है वो भी रनिंग कर लेते हैं। बट किस तरह से आप रनिंग की जाए, जो टेक्निक होती है प्रॉपर, वो इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। अगर कभी कभी आपके स्टमक में पेन होता है, कभी आपने नोट किया होगा रनिंग करते टाइम, या फिर आपके शिन में पेन होता है, या फिर आपके नीस में पेन होता है, तो इसको किस तरह से अवॉइड करना है इस बारे में जानने के लिए, और किस तरह से आपको फास्ट रनिंग करना है आप ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग कर पाएँ। जो लोग कंपटीशन करना चाहते हैं, जैसे कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कभी कभी जो भर्ती के लिए 1600 मीटर की दौड़ लगाने जाते हैं, वो उनके लिए भी मैं प्रो टिप देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप ये है कि आपको प्रॉपर नींद लेनी है। नींद लेने से क्या होता है, आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपके जो मसल्स हैं, उन्हें रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है, जिससे कि वो दोबारा से रनिंग के लिए रेडी हो पाती हैं। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो फिर आप थकान महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आपका दौड़ने का मन नहीं करेगा। तो आपको रोजाना कम से कम 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी ही होगी। रनिंग करने का सबसे बेहतरीन टाइम होता है सुबह का। जब आप मॉर्निंग में रनिंग करते हैं तो आपके फेफड़ों में, आपके जो लंग्स हैं, उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुंच सकती है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको हेल्प मिल सकती है। वैसे आप इवनिंग में भी रनिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा, जिसमें आप पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। पानी पीने से ज़्यादा रनिंग कर सकते हैं, या आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब आप कंपटीशन के लिए जाते हैं, या फिर कहीं रनिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर किसी भी वजह से आप रनिंग के लिए जा रहे हैं, तो उससे आधे घंटे पहले ही आपको पानी पीना है। आपको तुरंत पानी पी के रनिंग नहीं करना है, आपको आधे घंटे पहले पानी पीना है, जिससे आप स्टमक पेन को अवॉइड कर सकते हैं। जब आप रनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में से पसीना बाहर आता है, तो उसकी वजह से आपके बॉडी में पानी का स्तर कम हो जाता है। इसलिए आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, और आपको आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है। अगर आपकी बॉडी को आप फ्लेक्सिबल नहीं बनाएंगे तो आपको इंजरीज के चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि मांसपेशियों को लूज करना होता है, जिससे रनिंग फास्ट की जा सकती है। जब तक आपके मांसपेशी लूज नहीं होंगी, तब तक आप ज़्यादा फास्ट रनिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान देना है। एक अच्छे रनर के लिए 2 बातों का ध्यान उसे हमेशा रखना चाहिए। एक तो उसका जो लेग है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, सेकंड उसका जो कोर है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो लेग को स्ट्रांग करने के लिए या तो आप जिम जाइए, अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं, किसी वजह से नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही फ्री स्क्वाट्स कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, उसके साथ में आप स्टैंडिंग काफ भी कर सकते हैं घर पर ही, साथ में आप क्रंचेस और लेग रेस भी कर सकते हैं, और प्लैंक तो ज़रूर कीजिए। तो ये सारी जो फ्री वर्कआउट्स है विदाउट वेट्स की, विदाउट जिम की, ये आप घर पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग में फास्ट रिजल्ट ला सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको रनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको डाइट किस प्रकार से लेनी है, और आपको वार्म अप कैसे करना है ताकि आप फास्ट रनिंग कर सकें, और आपको कॉम्पिटिशन में अगर जा रहे हैं 1600 मीटर की रनिंग कर रहे हैं, या फिर आप 10 किलोमीटर या 21 किलोमीटर का मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको कैसे आपको अचीव करना है कम से कम टाइम में, तो उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट देखना जरूर देखें। तो चैनल पे पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रो टिप्स मिलने वाले हैं। तब तक आप खुश रहें, सलामत रहें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।